हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, और ये है शिमला का स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट काफी मशहूर जगह है, काफी मशहूर। ये आप अगर स्कैंडल पॉइंट को देखेंगे, ये पॉइंट काफी मशहूर है इसलिए क्योंकि ब्रिटिश राज में पटियाला रियासत के एक महाराजा थे, उन्होंने यहाँ एक ब्रिटिश जो नागरिक थी उनको यहाँ से, कह लो यहाँ से लेकर गए थे, और उसके बाद से यहाँ इस जगह का नाम स्कैंडल पॉइंट रख दिया गया। काफी मशहूर ये जगह है, और इस वक्त क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सियासी तापमान चढ़ा हुआ है, हिमाचल की बात में आज हम शिमला आए हैं, और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा ये जरा दिखाएं। ये शिमला का मौर रोड है, यहाँ पर आमतौर पर सुबह या फिर शाम को फुर्सत के पलों में लोग घूमने आते हैं। ज्यादा संख्या सैलानियों की होती है, ज्यादा संख्या जो हिमाचल प्रदेश से बाहर के आते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो आमतौर पर नौकरी पेशा लोग होते हैं, जो अपने काम से शाम के वक्त थोड़ा सा फुर्सत का पल निकालते हैं और फिर वो मौर रोड की तरफ आते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौर रोड पर एक वोटर हैं, और उनसे हम बात करेंगे हिमाचल की बात में, आखिर क्या सोच रहा है वोटर इस वक्त हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेकर, क्या लग रहा है इस बार का चुनाव, किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। मेनली एक बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पढ़ा लिखा यूथ है, जॉब है नहीं, प्राइवेट सेक्टर है नहीं यहाँ पे, सबको तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं, तो मैं ये कि गवर्नमेंट से हमें अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर है यहाँ पे, ताकि सबको जॉब मिले। सारे के सारे को तो जितने पढ़े लिखे हैं सबको गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिल सकती, ये सच्चाई है। और एंटरप्रेन्योर हो बंदे, खुद से अपनी जॉब तैयार करे, रोजगार तैयार करे, आपको काफी स्कीम्स है बैंक में, आपको लोन इजीली मिल जाते हैं, तो आप खुद से भी हाथ मारे, बिल्कुल सरकार का मुंह भी ना देखे कि वही आपको सब कुछ कर देगी। जी, आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी फिलहाल मैं अपना बिजनेस ही करता हूँ। अच्छा, हाँ जी, आइए थोड़ा मॉल रोड की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल। और इस वक्त अगर हम बात करते हैं बेरोजगारी के अलावा, हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें महंगाई भी एक अहम मुद्दा बना हुआ है, उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा एक मुद्दा भी जो सियासी गलियारों में है गूंज रहा है, आपको क्या लग रहा है? वो मुद्दे भी तो अहम हुए। जो ओल्ड पेंशन है वो कांग्रेस के टाइम में ही बंद हुई थी, 2003 आई गेस तब बंद हुई थी, तो अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम उसे फिर से ला देंगे, तो ये थोड़ा अजीब है। तो आपने पहले बंद क्यों कर दी अगर आप कह रहे हो कि अब लाएंगे? और मेरा ये कहना है कि जो आप ओल्ड पेंशन स्कीम कह रहे हो, पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स पेयर का ही पैसा जाएगा, मतलब जो गवर्नमेंट बनाएगा फॉर्म करेगा, तो कोई कुबेर का खजाना तो है नहीं आपके पास कि आपके पास पैसा आ जाएगा और आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे। ठीक है, जनता का आपके आपके हिसाब से महंगाई इस वक्त क्या हिमाचल में सबसे बड़ा मुद्दा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ महंगाई है, जो हाउस होल्ड के बंदे हैं उनसे पूछो, जो लेडीज है, कि महंगाई का क्या मुद्दा है। हर चीज महंगी हो गई, रिफाइंड तेल महंगा हो गया है, आटा बढ़ गया, चावल बढ़ गया है, तेल महंगा हो गया, तो मतलब बसेस में किराया भी महंगा हो गया है। एक नई बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी भी इस वक्त चुनावी मैदान में है, और आपको क्या लग रहा है हिमाचल में चुनाव की हवा कहाँ है? इसका मुझे कोई आइडिया नहीं कि कहाँ है, मुझे लगता है कि जो काम करेगा जनता के बीच, जो भी मुद्दे जनता के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वही सरकार बनाएगा। आगे की फ्री की रेवड़ियां ना बांटे बस जी, जनता जो वोटर है वो समझदार है, आपकी अगर कहोगे कि हम ये दे देंगे वो दे देंगे, तो जनता मतलब आप खुद सोचिए कि आप बोल दोगे कि हम ये दे देंगे आपको वो दे देंगे, वो पैसा कहाँ से आएगा? वो टैक्स पेयर का ही पैसा होगा जी, तो फ्री की रेवड़ियां बांटना बंद करे मतलब जी। ये हिमाचल प्रदेश का वोटर हैं और इनकी अपनी अपनी राय है, हम कुछ और लोगों से भी जानेंगे आखिर इस वक्त शिमला का मूड क्या है। हिमाचल की बात में तमाम लोगों के अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, तमाम लोग किसी भी पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और वोटर हैं, आप क्या काम करते हैं? मैं बहुत कुछ करता हूँ जी, लेकिन आप पूछना क्या चाहते हो वो पूछो आप। नहीं मैं, आप बहुत कुछ करते हैं लेकिन वोट तो डालते होंगे? हाँ वोट डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। तो आपको क्या लग रहा है इस वक्त, आप बैठे हैं या फुर्सत में? हाँ बिल्कुल फुर्सत में बैठे हैं। और क्या कह रहा है चुनाव, क्या कह रहे हैं? देखो चुनाव जो मर्जी गए, सैड न्यूज ये है कि आज हिंदुस्तान के पहले वोटर नहीं रहे, श्याम शरण नेगी जी 106 पे आउट हुए, और इलेक्शन के लिए ये सबको ऑल द बेस्ट, जो भी जीते वो हिमाचल के बेटरमेंट के लिए काम करे,
देवभूमि हिमाचल के लिए अच्छा काम करे, जो भी जीते सबको ऑल दी बेस्ट। क्या हिमाचल की बेटरमेंट के लिए, हिमाचल की बेहतरी के लिए काम हुआ है? वो उनको बताओ ना, अब तक काम हुआ है? हुआ भी है मेरी नज़र में, कुछ हुआ भी है, कुछ नहीं भी हुआ है, सबके अपने अपने एजेंडे हैं। जिसका जो एजेंडा हो जाता है तो वो समझता मेरा काम हो गया, जिसका एजेंडा नहीं होता वो समझता नहीं हुआ। तो सबके मिक्स विचार मिलेंगे आपको जब पूछने निकलेंगे, मगर करने वालों को पता होना चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए, ये उनको पता होना चाहिए ज़्यादा, तो क्योंकि वो बैठे हैं उस सीट पे, हमें तो वो पता है जहाँ पे हम बैठे हैं जी। तो जो वो काम कर रहा है उनको पता है ज़्यादा अच्छी तरीके से कि क्या करना चाहिए। चुनाव में इस वक्त दो तीन मुद्दे हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं, एक बेरोजगारी, एक महंगाई, ओल्ड पेंशन स्कीम, लेकिन इसके साथ ही गारंटियां भी हैं। देखो जी, ये चीज़ें नहीं बदलने वाली, ये नहीं बदलेगी, ये चला रहेगा ऐसे ही, ये सिस्टम ऐसे ही चलना है जी। आपको बदलना पड़ेगा, थोड़ा काम काज करना पड़ेगा, घर बैठे कुछ नहीं मिलता, कमाओ, कमाने के लिए काम करना पड़ता है और उसके लिए काम करो बस, फिर कोई महंगाई नहीं है, फिर कोई बेरोजगारी नहीं है, ये सब ठीक है। चलिए, ये हिमाचल के वोटर हैं और हमारे साथ इस वक्त एक और शख्स हैं। सर कुछ कहेंगे आप? चलिए, बहुत सारा इस वक्त वोटर जो है साइलेंट भी है, बहुत कुछ कह भी नहीं रहा है और जो लोग कह रहे हैं वो सरकार से खुश भी हैं और सरकार से नाराज भी हैं। इस वक्त मिला जुला जो रिएक्शन है वो लोगों का देखने को मिल रहा है, लोग वोट किसे करेंगे, हिमाचल प्रदेश में इस वक्त किस पार्टी की हवा है, क्या इस बार हिमाचल प्रदेश में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा या फिर 5 साल में सरकार बदलने का जो परंपरा आज तक जारी थी वो जारी रहने वाली है, या फिर जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि रिवाज बदलेगा, क्या इस बार वाकई में उत्तराखंड की तरह हिमाचल प्रदेश में भी रिवाज बदल रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में रिपीट कर रही है, या फिर आम आदमी पार्टी इस बार हिमाचल प्रदेश में कुछ अलग करने वाली है। सब कुछ देखने वाली बात है, अगले महीने जब चुनाव के नतीजे आएंगे और कुछ दिन में जब हिमाचल प्रदेश में वोटिंग होगी सारी पिक्चर पूरी तरह से साफ हो पाएगी। शिमला से जितिन राजपूत के साथ मैं सुभाष चंद्र।